हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको मैजिक थ्रोन के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद रिकी है हमारे साथ। हेलो। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया मैथ मैजिक होगा। दोस्तों आज का ये जो मैथ मैजिक है आप कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, ऐसा एक मैथ मैजिक। तो चलिए दोस्तों लेट ना करके शुरू करते हैं आज का ये ऑसम मैथ मैजिक। दोस्तों आज मैं कुछ पेपर पे नंबर लिख के आया हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए देख सकते हो, एक से नौ के अंदर नंबर है। अब हम लोग एक गेम खेलेंगे आज, ठीक है, फेंको और बदलो, ये गेम का नाम है, ठीक है। ये बहुत ही एक यूनिक गेम है। तुमको क्या करना है वो मैं बताने से पहले एक चीज देना चाहता हूँ, वो है इस कागज पे मैंने कुछ लिख के रखा है, ठीक है। ये कागज रहेगा इधर एकदम आंखों के सामने, ठीक है, इसको मैं नहीं पकड़ूंगा, एकदम मैजिक के लास्ट में हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं तुमको गेम का रूल समझा देता हूँ। गेम का नाम है फेंको और बदलो, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारा नंबर है, ठीक है, एक एकदम सीरियल वाइज है। अगर अब तुमको ये मैं दू और बोलू कि इसको मिक्स कर दो, तब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस कर सकूं, ठीक है। तो हम लोग एक गेम खेलेंगे, वो है फेंको और बदलो। मतलब तुम जब बोलोगे कि फेंको, तब मैं ये कार्ड फेंक दूंगा, फिर बोलोगे फेंको, मैं फेंक दूंगा। लेकिन जब तुम बोलोगे कि बदलो, तब मैं उसको और एक कार्ड के साथ बदल दूंगा। और देखो उसका ऑर्डर बदल गया, मतलब 1, 2, 3, 4 था, अब 1, 2, 4, 3 हो गया, ठीक है। मतलब फिर बोलोगे फेंको, फेंक दूंगा, अगर बोलोगे बदलो तो बदल दूंगा, और उससे क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग खेलेंगे, समझ में आया? तो तुम जब बोलोगे कि फेंको, फेंक दूंगा, और जब बदलोगे तो बदल दूंगा। तो चलियो शुरू करते, ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वैसा बोलना, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते। फेंको, फेंक दिया, बदलो, बदल दिया, बदलो, बदल दिया, फेंको, फेंक दिया, फेंको, फेंका, बदलो, बदल दिया, ठीक है। और एक बार करते हैं ये गेम, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फेंको, फेंक दिया, फेंको, फेंक दिया, बदलो, बदलो, बदल दिया, फेंक दिया, फेंको, फेंक दिया, बदलो, बदल दिया, और एक तो एक ही बार बाकी है, ठीक। तो तुमने एकदम दिल से बोला है, मिक्स किया है एकदम दिल से ये गेम खेल के, फेंको और बदलो ऐसा, और पहले मैंने भी मिक्स किया था। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, ये मिक्स करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। इसको एकदम देते 3, 5, 6, 7, 3, 5, मतलब ये एक आंसर आया है, ठीक है, 3, 5, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 1, 4, 2, ठीक है, ये एक नंबर आया है, तुमने ऐसा मिक्स किया है, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 9 तक था, तुमने ऐसा मिक्स किया है। अब हम देखेंगे ये इस पेपर को, ठीक है, ठीक, इस पेपर को अभी इतने देर तक मैंने नहीं छुआ था, तो अब इसको खोलेंगे, खोल के देखेंगे। और रिकी तुम देख सकते हो कि एकदम एग्जैक्ट मैच हो जा रहा है, देखो 3, 5, 7, 6, 8, 9, 1, 4, 2, ठीक है। कैसा लगा तुमको? तुम तो बहुत सारा बोल सकते थे कि मतलब जब तुम बोल सकते कि फेंको, मिक्स करने के बोल सकते, लेकिन एंड रिजल्ट एकदम पहले से मैंने लिख लिया था। तो दोस्तों ये है मैजिक। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए अपने दोस्त के साथ शेयर। और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों झटपट जान लेते हैं कैसे मैंने ये मैजिक किया और आप लोग कैसे इसको कर सकते हो, इसका रिजल्ट कैसे एकदम ये आ गया, ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं जो आपको टेक्निक सिखाऊंगा, आप उसका टेक्निक बदल के थोड़ा सा आंसर और भी ला सकते हो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अब मैं पहले बोल दूं कि रिकी को कुछ भी सिखाया नहीं गया था, ठीक है, रिकी एकदम दिल से बोला। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, पूरा देख के अगर आप एकदम ठीक से समझ गए तो आप किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए आपको 9 पीस ऑफ पेपर, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 लिख देना चाहिए। और दोस्तों मैंने इसको माउंटबोर्ड काट के बनाया है, तो ये एकदम आपके पॉकेट में ही रहेगा, आपके बैग में रहेगा, तो आप जब कभी भी आप मर्जी इसको दिखा सकते हो, ठीक है, एकदम इजी है, एकदम हैंडमेड मैजिक है। तो अब मैंने कैसे ये किया था, दोस्तों मैंने ये ऑर्डर, ठीक है, मैंने ये ऑर्डर एकदम पहले से ही बनाया लिया था। जो रिकी ने बोला था कि फेंको और बदलो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। अब क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, पहले ये एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने ही पहले ये ऑर्डर क्रिएट कर लिया। मैंने पहले वाला 2 फेंक दिया, 1, 2, उसके बाद 1 बदल दिया, मतलब समझा दे कि कैसे ये गेम खेला जाए, ठीक है। लोग इसमें कोई भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल दे रहा था,
तभी मैंने ये क्रिएट कर लिया, 1 2 4 थी। फिर मैंने एक को फेंका, फिर दो को बदला, हो गया ऐसा, फिर मैंने दो फेंक दिया। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऐसा नहीं आया है, लेकिन हम लोग अब ऑर्डर को कर देंगे। फिर हम लोगों ने बोला ये, और एक बार लास्ट बार देख लो, एक और उसको बदल के दो कर दिया। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए दोस्तों कि मैंने अब क्या किया, मैंने कार्ड को लेके ऐसा फेंक रहा था, ठीक है, तभी इसका ऑर्डर चेंज हो रहा था, लेकिन जब रिकी ने बोला था तब मैंने वैसा नहीं किया था। तो ऐसा हो जाने के बाद देखिए ऑर्डर ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट क्या, ऑर्डर पूरी तरह से आ गया है। ठीक है, यही ऑर्डर आ गया है, अब हम लोगों को दो बार करना है ये। इससे क्या होगा कि ये एकदम पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो रिकी जब बोला था कि फेंको तब फेंका, जब बोला था बदलो तब हमने ऐसा बदला था, मतलब देखिए ये ऐसे फेंकने वाला था, ऐसे फेंकने वाला था, वही मैंने किया बदलो, तो क्या हुआ, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उसके बाद वही गिरा। मतलब अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तब ये बदलेगा, लेकिन हम लोग अगर ऐसे रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे ये जाए या फिर इसके ऊपर ये जाए, एक ही इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यही बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक ही गिरता है। तो अब हम लोग एक के बाद खोलेंगे तो रिजल्ट उल्टा आएगा, फिर हम लोगों को एक बार और करना पड़ेगा, फेंको बदलो, कोई इफेक्ट नहीं, फेंको बदलो। ठीक है, ये दो बार फेंकना और एक बार बदलना एक ही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर ऐसा ही आएगा। अब आप लोग पहले जो मैंने सीक्वेंस किया था, इसको मैचअप कर लिया था, आप उस स्टेप में कुछ अपना कुछ दे के इसका आंसर बदल सकते हो। ठीक है, आप अगर कुछ अपना कुछ करोगे मूव की समझाने के लिए, तब तो ये रिजल्ट अलग आ जाएगा और आपका वो एकदम पर्टिकुलर नंबर वो हो जाएगा, और उसको एक पेपर में लिख लीजिए और उसको मनी बैग या फिर कुछ पॉकेट में रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, और ये तो आपके बैग में रहेगा ही, क्योंकि ये एकदम कैरी करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये था मैजिक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और कर दीजिए अपने दोस्त के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही औसम औसम मैजिक सीखते रहिए।